नमस्कार, स्वामी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन अटारिया। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। पासपोर्ट कार्यालय के उद्घाटन पर हुई जमकर राजनीति। राज्य मंत्री देवनानी के उद्घाटन करने पर सांसद रघु शर्मा ने कहा, संसद में उठाएंगे विशेष अधिकार हनन का मामला। अखिल भारतीय सैन भक्तिपीठ जोधपुर के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह में चंपालाल महाराज को सैन रत्न उपाधि से नवाजा। वहीं महाराज ने उपाधि को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को किया समर्पित। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की जीत पर दक्षिण विधानसभा आदर्श मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। राजस्थान पुलिस में 5,390 सामान्य और चालक कांस्टेबल पदों की भर्ती को लेकर एसपी राजेंद्र सिंह ने ली बैठक। परीक्षा के दौरान नहीं बरती जाएगी कोई लापरवाही। और अजमेर मास्टर स्पोर्ट्स सोसाइटी के तत्वाधान में सीनियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विनर्स क्लब और ग्लोबल सोसाइटी ने जीत दर्ज की। समाज सेवी ललित नागरानी रहे मुख्य अतिथि। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अजमेर के लोगों को पासपोर्ट सेवा केंद्र की सौगात रविवार से मिलना शुरू हो गई, मगर उद्घाटन समारोह में राजस्थान सरकार के मंत्री और अजमेर के सांसद डॉक्टर रघु शर्मा के बीच उद्घाटन को लेकर विवाद हो गया। अजमेर के प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिता भदेल ने फीता काट कर शहरवासियों के लिए इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। पहले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विदेश राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वी के सिंह पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी जरूरी काम के चलते वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए और बताया जा रहा है कि उन्हीं के आदेश पर राज्य सरकार के स्थानीय मंत्रियों ने सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। यहाँ से कई लोग विदेशों में भी जाते हैं, NRIs भी हैं, जैरिन भी हैं, पुष्कर भी लोग तीर्थ यात्री आते हैं। इसलिए पासपोर्ट के बारे में यहाँ के व्यक्ति को जयपुर और दिल्ली चक्कर काटने पड़ते थे, उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार ने यहाँ पे पासपोर्ट कार्यालय राजस्थान में 12 जिलों में शुरू किए हैं, जिसमें अजमेर ज़िले में निश्चित रूप से आज शुरुआत हुई है। इसके लगातार 1.5 वर्ष से हम लोग प्रयत्नशील थे, मैं भी प्रयत्नशील था, मंत्री से भी 2-3 बार मिला, मैंने 4 चिट्ठियाँ भी उनको लिखी और दिल्ली जाकर के उनसे मिला। मुझे खुशी हुई कि वो आज उन्होंने यहाँ पे ओपनिंग के लिए हरी झंडी दी और स्वयं वो उपस्थित होने वाले थे। अंत समय में उनकी कोई मीटिंग अर्जेंट आ गई, कार्यक्रम भी उनका आ गया था, लेकिन अंत समय पर सुबह उनका कार्यक्रम स्थगित हुआ तो उन्होंने यहाँ के कार्यालय को निर्देश दिए कि वह वहाँ पर स्थानीय मंत्रियों से इसका उद्घाटन कराएं। आज हमने इसका उद्घाटन किया, इससे अजमेर के लाखों लोगों को अजमेर ज़िले के इसका लाभ मिलेगा और यही पासपोर्ट के सारे फॉर्मेलिटी ये होंगे, किसी को भी जयपुर चक्कर काटने की। वैसे रघु शर्मा जी ने कहा कि उनसे समय नहीं लिया गया, MP से करवाना था उद्घाटन। ऐसा है कि उन्होंने सारी स्थिति बता दी। जब पहले इनसे मांगा तब मंत्री जी ने सोचा कि मैं आऊँगा, जब केंद्रीय मंत्री डेट दे देता है उसके बाद किसी भी सांसद या विधायक का कोई उसमें रोल नहीं रहता। जब केंद्रीय मंत्री स्वयं इसके विदेश राज्य मंत्री आ रहे हैं, उन्होंने डेट दे दी, उसमें हम सबकी डेट अपने आप में समाहित हो जाती है। वो उनके नहीं आने पे क्या सांसद करेंगे? आपका होना चाहिए, सांसद का होना चाहिए। निश्चित रूप से प्रोटोकॉल जो कहता है, केंद्रीय मंत्री ने जो इनको यहाँ के ऑफिस को निर्देश दिए हैं उसके अनुसार आज कार्यक्रम हुआ है। इस मौके
मौके पर पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद रघु शर्मा ने बीजेपी मंत्रियों द्वारा किए जा रहे उद्घाटन का विरोध किया। सांसद महोदय का कहना था कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह नहीं आए तो उद्घाटन क्षेत्र के सांसद द्वारा होना चाहिए था। मैं यहां से 18.5 लाख लोगों मतदाताओं ने मुझे यहां सांसद निर्वाचित किया। अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने गाइडलाइन तय की कि जो भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के अंडर में ये पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो बन रहे हैं देश में 191 जगह पे है, उसमें राजस्थान में भी पाली, नागौर, अलवर, चित्तौड़, अजमेर, इन सब जगह पे ये सुविधाएं प्रारंभ की जा रही है। तो भारत सरकार ने गाइडलाइन एक इशू की कि संबंधित लोकसभा का जो सांसद है उससे जाके अधिकारी तारीख लें इनॉग्रेशन की। मेरे पास भी आए थे अधिकारी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जो अजमेर के हैं, मैंने उनको 27 तारीख दी। 27 तारीख को उद्घाटन होना था लेकिन ये कह के कि जनरल वीके सिंह जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो इसका उद्घाटन 4 तारीख को करेंगे, मेरे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। 28 तारीख अलवर में इसी तरह के सेवा केंद्र का उद्घाटन हमारे सांसद नवनिर्वाचित जो मेरे साथ जीते हैं करण सिंह जी यादव ने किया है। अब यहाँ पे वीके सिंह जी को आना ही नहीं था, उनका फर्जी प्रोग्राम बनाया गया ताकि दूसरे लोग जिनकी इच्छा है पिता काटने की। आप मुझे बताइए ये सेवा का केंद्र जो है ये अकेला अजमेर में खुल रहा है या देश में 191 जगह पे है? तो फिर एक राजस्थान सरकार का मंत्री अधिकारियों के बिहाप पर आप बयान खुद कैसे दे सकते हो? प्रोग्राम की जानकारी वो दे रहे हैं, अतिक्रमण कर लिया उस कार्यक्रम पे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मैं भी चुनाव आदमी हूँ, अभी अभी चुन के आया हूँ। इस क्षेत्र के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे जिताया उनकी भावनाओं का अपमान तो मैं भी नहीं होने दूंगा। सांसद रघु शर्मा के विरोध के बावजूद बीजेपी मंत्रियों ने डाकघर के तमाम कर्मचारियों की मौजूदगी में पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। भले ही इस सेवा का शुभारंभ थोड़े तनावपूर्ण माहौल में हुआ हो लेकिन इस सुविधा से देश विदेश आने जाने वाले शहरवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। अजमेर से सचिन कनौजिया की रिपोर्ट।